तीन दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर आज श्रीनगर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। 370 हटने के बाद शाह की पहली जम्मू कश्मीर यात्रा। अमित शाह के श्रीनगर दौरे को लेकर शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के आसपास जबरदस्त किलेबंदी। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है नजर। डल झील में पेट्रोलिंग बोट से गश्त लगाया जा रहा है। अमित शाह आज शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद शाम को सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सुरक्षा पर करेंगे बैठक। जम्मू कश्मीर में आतंकी मददगारों पर शिकंजा। एनआईए ने श्रीनगर, कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग समेत कई शहरों में छापा मारकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित का महत्वपूर्ण बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में यूएई का निवेश भारत के लिए एक बड़ी सफलता। G20 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 29 अक्टूबर को इटली जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 30 और 31 अक्टूबर को G20 सम्मेलन, इटली के बाद ब्रिटेन जाने का भी कार्यक्रम। 29 नवंबर से शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र। सूत्रों के मुताबिक सरकार शीतकालीन सत्र को 29 नवंबर से शुरू करके 23 दिसंबर तक चलाने पर विचार कर रही है। तारीख तय करने के लिए जल्द होगी संसदीय मामलों में से जुड़ी कैबिनेट कमेटी की अहम बैठक। लगातार चौथे दिन बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल और डीजल दोनों 35-35 पैसे महंगा हुआ। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 118.25 रुपए, कोलकाता में डीजल 100 रुपए के पार। दिवाली पर सड़कों पर पटाखे न फोड़ने के आमिर खान के एक टायर कंपनी के विज्ञापन पर विवाद। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने कहा, आमिर ने हिंदी त्योहार का मजाक उड़ाया। कंपनी के सीईओ को लिखी चिट्ठी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर जबरदस्त बवाल। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। त्रिपुरा के अगरतला में जनसंपर्क अभियान के लिए पहुंची टीएमसी सांसद सुष्मिता देव की कार पर हमला। बाल बाल बची सुष्मिता, बीजेपी पर लगाया हमले का आरोप। यूपी चुनाव के लिए आज से शुरू होगी कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। बाराबंकी से प्रियंका गांधी यात्रा को रवाना करेंगी। प्रियंका गांधी एक दिन वाराणसी और एक दिन सहारनपुर वाली यात्रा में भी हिस्सा लेंगी। दिल्ली में तेजी से फैल रहा है डेंगू बुखार। एक हफ्ते में 100 से ज्यादा डेंगू के केस सामने आए। अस्पतालों में तैयार किए जा रहे हैं डेंगू के वार्ड। दूसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 46% का शुद्ध मुनाफा। 15,479 करोड़ रुपए की हुई कमाई। कोरोना के बाद पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था से फायदा। दिवाली में पहले मुनाफा काटने में जुटे मिलावटखोर। एमपी के मुरैना में सिंथेटिक दूध बनाने के गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ। अवैध डेयरी पर खाद्य विभाग की छापेमारी में सैकड़ों लीटर नकली दूध बरामद। चौथे सिख गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर खूबसूरत रोशनी से जगमग हुआ अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। आतिशबाजी के साथ हुई अरदास। उत्तराखंड बाढ़ बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 हुई। अकेले नैनीताल जिले में 34 लोगों की जान गई। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। यूपी के बहराइच में बनबसा बैराज से 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सरयू और घाघरा में उफान से 125 गांवों में बाढ़ जैसे हालात। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।